स्कूली छात्र के साथ की गई मारपीट, पीड़ित ने थाने में दिया शिकायती पत्र, कार्यवाही की रखी मांग। बता दें कि मामला सीधी जिले का है, जहां पर फरियादी कृष्णा गुप्ता, पिता बैकुंठ गुप्ता, उम्र 17 वर्ष, निवासी पटेल पुल सीधी का थाना आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि मैं पटेल पुल सीढ़ी का रहने वाला हूं, गणेश स्कूल पड़रा में कक्षा 12वीं में पढ़ता हूं। जिस बात को लेकर के आज दिनांक को मैं अपनी मोटरसाइकिल में सीढ़ी से अपने घर जा रहा था, मेरे साथ मेरा साथी ओम शर्मा जो मेरे मोटरसाइकिल में पीछे बैठे हुए थे, उसी समय पटेल पुल में बाबा किराना स्टोर के पास पहुंचा तो सामने से एक मोटरसाइकिल में पुराना बस स्टैंड सीढ़ी का निखिल प्रधान मोटरसाइकिल में आया और उसके दो साथी भी थे और मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। मेरे द्वारा मना किया गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी अचानक तीनों लोग उतरे और मेरे साथ मारपीट की, जिसके कारण मुझे काफ़ी चोटें आई हैं। जिस बात को लेकर के छात्र के द्वारा थाने में लिखित शिकायत दी गई है और कार्यवाही की मांग की गई है, जिसे गंभीर चोटें भी आई हुई हैं। शौच करने के लिए गए व्यक्ति पर भालू ने किया हमला, हुआ गंभीर रूप से घायल। मामला सीधी जिले के टमसार रेंज का है, जहां पर ग्राम बड़वाही में शौच के लिए गए व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्ति का नाम बबोल यादव, पिता गंगा यादव, उम्र 62 वर्ष बताया जा रहा है, जहां पर वो अपने गांव में शौच के लिए गए हुए थे। तभी अचानक उन पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। ग्राम नेबुहा में हुआ सड़क हादसा, बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिरा, आई गंभीर चोटें, जिला अस्पताल में जारी है इलाज। सीधी जिले के ग्राम नेबुहा में सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि तेज रफ्तार बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिर पड़ा, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई हुई है। पुलिस चौकी अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नेबुहा में सड़क हादसा हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि आज सुबह एक तेज रफ्तार बाइक चालक जा रहा था, उसी दौरान बाइक चालक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि परिजनों के द्वारा घायल व्यक्ति को सीधी जिले के जिला अस्पताल में 108 वाहन की मदद से लाया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं अस्पताल चौकी पुलिस के द्वारा बताया गया है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में निरंतर जारी है। कुसमी SDM RK सिन्हा को मिला सिहावल SDM कोर्ट का प्रभार, सिहावल पहुंचकर SDM RK सिन्हा ने ग्रहण किया पदभार। सीधी कलेक्टर साकेत मालवी ने प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किए थे, जिसमें कुसमी के SDM RK सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार सिहावल उपखंड दिया गया था, जहां आज सिहावल SDM कोर्ट के रूप में RK सिन्हा सिहावल उपखंड SDM कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया एवं सिहावल SDM नीलांबर मिश्रा को अपर कलेक्टर के समकक्ष कार्य करने का आदेश बीते दिनों जारी किया गया था। अब कुसमी SDM RK सिन्हा को SDM कोर्ट सिहावल का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। उनके द्वारा आज दिनांक को पदभार ग्रहण कर लिया गया है और सिहावल SDM कोर्ट की कमान संभाल ली गई है। कोतवाली पुलिस ने दो स्थानों पर छापेमार कार्यवाही करते हुए जब्त की 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब, आरोपियों पर की गई आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही। मामला सीधी जिले के कोतवाली थाना का है, जहां पर सीधी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के कुशल निर्देशन तथा मार्गदर्शन में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कोतवाली थाना प्रभारी को। कोतवाली थाना प्रभारी ने टीम का गठन किया और मौके से रवाना किया, जहाँ पर ग्राम रामपुर और जोगीपुर में छापेमार कार्रवाई की गई। दोनों जगह से मिला करके 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की गई और दो आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और दो आरोपियों पर कार्यवाही की गई है। बता दें कि नशा मुक्ति अभियान के तहत निरंतर पुलिस की कार्यवाही का क्रम जारी है, यही कारण है कि आज कोतवाली पुलिस ने दो स्थानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की है और दो आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।